Setting up a new administration, Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power. Warren Hastings bhi ek important Governor General the, jinhone bahut important role play kiya is company ki power ko expand karne mein. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. जब उनका समय था यानी जब वो गवर्नर जनरल थे तब कंपनी ने खाली बंगाल में ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपना कब्जा कर लिया था. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. अब ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इनको डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जिसको की नाम दिया गया प्रेसिडेंसीज का. देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. अब तीन प्रेसिडेंसीज बन गई थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. हर एक को एक गवर्नर रूल कर रहा था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल. और इनका तीनों का सुप्रीम हेड कौन था, वो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस. अब जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जो स्पेशली न्याय को लेके. फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम of justice was established. 1772 से एक न्याय का नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया. Each district was to have two courts, a criminal court and a civil court. अब हर एक district के दो court होंगे. एक criminal court होगा जो फौजदारी अदालत कहेंगे जिसे, और एक civil court होगा जिसे दीवानी अदालत कहेंगे. Maulvis and Hindu pundits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. Maulvis और जितने भी हिंदू पंडित थे उन्होंने एक्सप्लेन किया इंडियन लॉज को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए जो कि सिविल कोर्ट्स में बैठते थे. जितने भी मौलवीज और हिंदू पंडित थे वो इंडियन लॉज को बता रहे थे, उनको ट्रांसलेट करके बताते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो कि सिविल कोर्ट्स में वहां पर बैठते थे जस्टिस के लिए. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो काजी और मुफ्ती के अंडर में आते थे लेकिन उनको सुपरवाइज तब भी कलेक्टर्स ही करते थे. द मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मराष्ट्र. अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जितने भी ब्राह्मण पंडित थे वो अलग मीनिंग बताते थे लोकल लॉज का, क्योंकि वो जो है धर्मराष्ट्र के जो क्या कहते हैं स्कूल्स थे उनके बेसिस पे बताते थे. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को बोला गया कि तुम जो हो हिंदू लॉज की एक बहुत बड़ी सी बुक को कंपाइल करो. एनबी हलहद ट्रांसलेटेड हिज डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. एनबी हलहद जो थे उन्होंने अपनी ये जो बुक थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कम्बाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. इसी तरह से 1778 में मुस्लिम लॉज की भी एक बुक कंपाइल करी ताकि यूरोपियन जजेस को फायदा हो सके. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता. जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का उसके बाद एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जबकि कोर्ट जो अपील करने के थे जिसको कि हम सरदार निजामत अदालत कहते थे वो जो है कलकत्ता में बनाया गया. The principal figure in an Indian district was the collector. सबसे important figure जो Indian district में था वो collector था. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darugas. अब जैसा कि उनका नाम कहता है कि उनका जो main काम था वो था कि revenue collect करो, tax collect करो या फिर law और order जो है उसको maintain करो अपने district में, judge की help से, police officers की help से या darugas की help से. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. अब उनका जो office था collectorate जिसे बोलते थे वो नया center बन गया power और patronage का, जिससे धीरे धीरे जितनी और पुराने holders थे जिनकी authority चलती थी वो अब replace हो रही थी. The company army. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. अब जब इसे एक कॉलोनियल रूल आया इंडिया में उससे बहुत सारे नए आइडियाज आए एडमिनिस्ट्रेशन के, साथ ही साथ जो चेंजेस भी हुए पर जो पावर थी मेन वो थी मिलिट्री बेस्ड थी.
The Mughal army was mainly composed of cavalry and infantry. अभी जो मुगल आर्मी थी उसमें मेनली कैवेलरी थी, मतलब सवार थे, या जो घुड़सवार होते हैं उनको कैवेलरी बोलते हैं, वो थे, या फिर इन्फेंट्री थे जो कि लोग पैदल चलते थे. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड. उनको जो है ट्रेनिंग दी गई तीरंदाजी में और साथ ही साथ तलवारबाजी में. द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री. अब जो कैवेलरी थी वही जो है थोड़ी सी हावी हो रही थी आर्मी में, तो मुगल स्टेट्स को ऐसा नहीं लगा कि अब उनको बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन पैदल लोगों की जरूरत है. द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. जितने भी रूरल इलाके थे उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आर्म्ड थे, यानी हथियारबंद थे, और जो वहाँ के लोकल जमींदार थे वो कई बार मुगल्स को इस तरह के पैदल सोल्जर सप्लाई करते थे. A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. बदलाव तब आया 18th century में जब Mughal successor states जो थे, यानी जो Mughal शासन के बाद जो उनके और नए राजा आए जैसे अवध और बनारस में, उन्होंने क्या किया, जनता को भी आर्मी में सेलेक्ट करना शुरू कर दिया और फिर उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी प्रोफेशनल सोल्जर की तरह. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army. अब East India Company वालों ने भी बिल्कुल same method अपनाया जब उन्होंने अपनी army के लिए लोग रखने शुरू किए, which came to be known as Sepoy Army, where from India word सिपाही meaning soldier. यानी कि अगर आप India की तरफ से देखें तो Sepoy Army बोल रहे थे, क्योंकि सिपाही है उसको Sepoy बोल दिया, यानी कि मतलब क्या हुआ, soldier की बात कर. As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company arms declined. अब जैसे युद्ध की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी थोड़ी बदलने लगी 1820 में, तो जो घुड़सवार की इतनी ज्यादा कंपनी को जरूरत थी अब वो भी कम होने लग गई. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. जो British Empire थी वो जब बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में लड़ाई कर रही थी तो वहाँ के सोल्जर्स के पास मस्केट्स थे और मैचलॉक्स थे. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now become more important. अब जो सोल्जर्स थे कंपनी की आर्मी के, उनको जो भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स थे जैसे जैसे चेंजेस हो रहे थे बिल्कुल उसी के जैसे अकॉर्डिंग कदम से कदम मिला के चलना होता था, तो जिसकी वजह से जो उनकी पैदल घुड़सवार वाली रेजिमेंट्स थी या पैदल जो सोल्जर्स थे वो अब उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे थे. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक समान सा मिलिट्री कल्चर अपनाना शुरू किया. सोल्जर्स वाज इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. जितने भी सिपाही थे सोल्जर्स थे उनको जो है अब यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जानी शुरू कर दी. Drill and discipline that regulated their life far more than before. Discipline और drilling ये दोनों तरह की जो चीजें थी वो उनके साथ, सतर्कता और discipline जो थी वो अब उनकी जिंदगी में कहीं ज्यादा आने लग गई थी जैसे पहले थी. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. अब फिर समस्या खड़ी होने लग गई थी क्योंकि जो कास्ट या कम्युनिटी की जो फीलिंग्स थी अब उनको इग्नोर किया जा रहा था जब ये प्रोफेशनल सोल्जर तैयार किए जा रहे थे. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? क्या कोई भी इंडिविजुअल इतनी आसानी से अपने कास्ट की या अपने रिलीजियस की जो फीलिंग्स है उनको खत्म कर देगा? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? क्या वो अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर की तरह देखे और मैं कम्युनिटी के मेंबर की तरह नहीं? What did the sepoys feel? अब ये सिपाही क्या सोचते थे? How did they react to the change in their lives and in their identity? कैसे ऐसे उनका रिएक्शन होता था जो भी बदलाव आए थे उनकी अपनी आइडेंटिटी में, अपनी जिंदगी में, that is their sense of who they were, मतलब कि वो कौन है. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of sepoys. ये जो revolt हुआ 1857 का, इससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है कि सिपाहियों की दुनिया में क्या होता था. You will read about this in chapter 5. अब ये जो revolt है इसके बारे में आप chapter 5 में पढ़ोगे. Conclusion. Thus the East India Company was transformed from a trading company to the territorial colonial power. इस तरह से East India Company जो है वो धीरे धीरे trading company की जगह एक territorial colonial power में बदलती चली गई. The arrival of new steam technology
इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. और फिर जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही थी अर्ली 19th सेंचुरी में, उसने भी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 एंड 8 मंथ्स टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी. तब तक खाली 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया को पहुंचने के लिए या इंडिया में पहुंचने के लिए सी के रास्ते. स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम इनटू 3 वीक्स, एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया. फिर जो स्टीम इंजन हैं, उसकी मदद से स्टीम शिप्स जो हैं वो चलने लग गए, और जिसकी वजह से जहाँ का 6 से 8 महीने लगते थे, अब वहाँ खाली 3 हफ्ते लगते थे. और बहुत सारे ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिलीज जो हैं, अब वो इंडिया में आने लग गए. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. 1857 तक आते आते जो कंपनी थी, अब उसका एक तरीके से पूरा रूल हो गया था लगभग 63% के टेरिटरी के, और 78% इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जितनी पॉपुलेशन थी उस पर. कंबाइंड विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. अगर उसका जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था जितनी भी बची हुई टेरिटरीज थी उन पर या पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पे, तो देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से कहा जाए कि पूरी की पूरी इंडिया पे अपना वर्चुअली अधिकार जमा लिया. तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.